हे गाइस, आज के वीडियो का टॉपिक है कि दानेदार कंडोम क्या होते हैं। बहुत सारे पुरुष दानेदार कंडोम के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको दानेदार कंडोम के बारे में ही बताएंगे। जिन लोगों को लगता है कि उनकी पार्टनर उनसे प्रॉपर सेटिस्फाई नहीं हो पाती है, या तो उनको शीघ्र पतन की प्रॉब्लम है, जल्दी निकल जाता है, या कोई भी प्रॉब्लम है, उनका साइज कम है, कुछ भी हो सकता है। तो गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जो सिलिकॉन कंडोम्स है वो इतने ज्यादा वायरल हो रहे हैं आजकल, जिनका इस्तेमाल किया जाता है पुरुषों के प्राइवेट पार्ट के साइज को बढ़ाने के लिए, उनकी मोटाई को बढ़ाने के लिए, जिनकी टाइमिंग कम है उसको इंक्रीज करने के लिए। तो इसी तरह से सिलिकॉन कंडोम ही है ये भी, लेकिन इनको दानेदार कंडोम कहा जाता है, क्योंकि इनके ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए छोटे छोटे डॉट्स आपको मिल जाते हैं। इस कंडोम पर आपको थोड़े ज्यादा डॉट्स मिल रहे हैं, जितने ज्यादा डॉट्स होते हैं उतना ही ज्यादा जो है फीमेल पार्टनर को एंजॉयमेंट मिलता है, प्लेजर बढ़ता है। कुछ कम डॉट्स वाले भी कंडोम्स लोग पसंद करते हैं, जैसे कि ये है, आप देख सकते हैं। लेकिन इनका इस्तेमाल करते वक्त आपको एक चीज का खास ख्याल रखना है, और वो है कि आप इसको बिल्कुल ऐसे ही ड्राई, जैसे कि इसके ऊपर अभी कुछ नहीं लगा हुआ है, ऐसे ही इसको डायरेक्टली इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप इसके साथ किसी लूब का यूज करें। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप ये ट्रस्टफिन क्लिनिक का स्पेशल लुब्रिकेंट भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। पहले आप इसके ऊपर अच्छे से लुब्रिकेंट लगा लें, और एक चीज आप ध्यान रखें गाइस कि आप लुब्रिकेंट का ही यूज करें, किसी ऑयल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप सिलिकॉन कंडोम के साथ ऑयल यूज करते हैं तो उससे जो सिलिकॉन कंडोम की ये स्किन होती है ये खराब होने लगती है, डैमेज हो जाती है, इसकी सॉफ्टनेस बिल्कुल खत्म हो जाती है, और ये जो सिलिकॉन है ये बिल्कुल ऐसी नहीं रहती जैसे स्टार्टिंग में होती है, मतलब इसकी लाइफ पर पूरा असर पड़ता है अगर आप ऑयल का यूज करेंगे। तो ऑयल का यूज आपने नहीं करना है, आपके पास कोई भी लुब्रिकेंट है अच्छा लुब्रिकेंट ही यूज करें। वैसे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए, बाकी इनसे किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होता है। कई लोगों को लगता है कि इसको पहनने से बहुत ज्यादा पेन होता है, जो पार्टनर होती है, सामने वाला जो पार्टनर है आपका, जो फीमेल पार्टनर है, उनको बहुत ज्यादा पेन होता है, बट ऐसा नहीं है, इनसे सिर्फ उनको आनंद ही आता है। अगर आपके पार्टनर पूरी तरह से आप उनको संतुष्टि नहीं दे पा रहे और आप चाहते हो उनको अच्छा फील कराना, तो आप दानेदार कंडोम यानी जो डॉट्स वाले कंडोम से, उनमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, कहीं पर भी आपको अलग अलग डॉट्स मिलते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। और इन कंडोम्स की खास बात यही है कि ये सालों साल चलते हैं, रियूजेबल वॉशेबल होते हैं, ऐसा नहीं है आपने एक बार ले लिया फिर उसके बाद आपको दोबारा लेना पड़ेगा, नो, आपने अगर इसको एक बार बाय कर लिया तो आपको फिर इसको दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये सालों साल चलते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही और आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।